हेलो दोस्तों, आपके पास अगर एक CGHS कार्ड है और आप CGHS डिस्पेंसरी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलेंगे और आगे का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन में आ गया है और यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हुआ है। हमारे को करना है CGHS जो कार्ड है उनका अपॉइंटमेंट बुकिंग करना है, तो इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा CGHS.gov.in। तो हम ये वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट हम यहाँ पे सर्च कर दिया, जो पहला वाला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारे को CGHS का जो होम पेज है वेबसाइट का वहाँ पे लेके जाएगा। तो हम ये वाला एडवर्टाइजमेंट यहाँ से काट देते हैं और फिर हमारे को अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर से दिखाई दे रहा है, बुक अपॉइंटमेंट, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज के लिए बोलेगा, ये बोल रहा है CGHS.gov.in/you are being redirected टू एक्सटर्नल लिंक, एक दूसरा लिंक में ले जाएगा, मतलब एक दूसरा पेज में आपको ले जाएगा। जैसे ओके में क्लिक करेंगे ये हमारे को दूसरा पेज में लेके जाएगा। अब दूसरा पेज जो है आपके सामने खोल गया है, तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के लिए ये बताया है बेनिफिशियरी आईडी आपको डालना होगा। जैसे आपका बेनिफिशियरी आईडी मतलब आपका जो CGHS कार्ड है उसके ऊपर ये नंबर एक लिखा हुआ होगा, वही आपका बेनिफिशियरी आईडी है, तो इसके यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। फिर ये कैप्चा को जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे डालना होगा, फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर ये डालने के बाद एक ओटीपी आपका मोबाइल में आ जाएगा जो CGHS कार्ड के साथ लिंक है, वो ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। अभी हम अपना डिटेल्स डाल लेते हैं। अभी जो डिटेल्स था हमारा हम यहाँ पे डाल चुका हूँ, फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक ओटीपी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। अभी जो ओटीपी हमारा मोबाइल में मिला था हम यहाँ पे डाल चुका हूँ, फिर प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारा जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका फोटो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी नीचे एक प्रोसीड बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रोसीड बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। हम अभी प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे हमारे को कुछ डिटेल्स है सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ से सिलेक्ट सिटी, हम वो सिटी सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारे को इलाज करना है। यहाँ पे NCR दिल्ली सिलेक्ट हो रखा है। हमने अगर चाहते हैं इंडिया के अंदर कोई किसी भी सिटी का सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस लिस्ट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली रहने देते हैं। फिर यहाँ पे स्पेशलिटी सिलेक्ट करना है, आपको जनरल OPD में दिखाना है तो जनरल OPD सिलेक्ट कीजिए, और डर्मेटोलॉजी को दिखाना है डर्मेटोलॉजी, ENT, गायनेकोलॉजिस्ट, जितना भी स्पेशलिस्ट है CGHS डिस्पेंसरी में ये सब यहाँ पे दिखाई देगा, आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, हम जनरल OPD ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट डिस्पेंसरी, आपको डिस्पेंसरी सिलेक्ट करना होगा। ये ड्रॉपडाउन मेनू में जैसे क्लिक करेंगे दिल्ली NCR में जितना भी CGHS डिस्पेंसरी है वो दिखाई देगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप चंडीगढ़ का सिलेक्ट कर ले तो वहाँ का जितना डिस्पेंसरी होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, कोई का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम वही रहने देंगे। फिर यहाँ से डॉक्टर सिलेक्ट करने के भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू में तो डॉक्टर्स का नाम आएगा, अवेलेबल डॉक्टर्स का। तो मान लीजिए एक नेहा बंसल है तो उनको हम सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद डॉक्टर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको एक डेट सिलेक्ट करना होगा, डेट एंड टाइम सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो देखिए आज का डेट तो चला गया, कल का डेट में कितना स्लॉट अवेलेबल है, 4, फिर परसों 28 को नहीं है क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, फिर अवेलेबल है मंडे को कितना, 11, फिर 30 को 13, आपको 3 दिन का अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इस 3 दिन में से जो भी आपका सुविधाजनक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी मंडे को अवेलेबल 11 है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे वो सिलेक्ट किया आपको ऊपर टाइम स्लॉट दिखाई देगा, देखिए ये सब टाइम स्लॉट है, 7:30 बजे से स्टार्ट होते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:30 बजे से जो है स्लॉट शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे 7:30 बजे वाला स्लॉट में 0 दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे जाके इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे 7:30 बजे वाले को हम छोड़ देंगे और 9 बजे मेरे सिलेक्ट करूँगा,
ये 9 बजे है तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो 9 बजे वाला अपॉइंटमेंट हमारा सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना होगा। और अगर मान लीजिए ये चीज है आपका डेथ जो अपॉइंटमेंट है डेथ को गलत हुआ है, दूसरा डेथ में जाना चाहते हैं तो चेंज अपॉइंटमेंट डेट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर स्पेशलिटी आप सिलेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज स्पेशलिटी सिलेक्ट करके फिर दोबारा वहां से स्टार्ट होगा जहां से आप स्टार्ट किया था तो वहां पे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हम सब कुछ सही सही सिलेक्ट किया हूं तो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो डिटेल्स है एक बार फिर आपके सामने दिखाई देगा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए इसे, देख लीजिए अगर सब कुछ सही है। आपको यहाँ पे कंफर्म टू बुक अपॉइंटमेंट ऑप्शन आ रखा है तो उसके ऊपर क्लिक करना होगा। हम अभी उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है और इसे आपको प्रिंट करके ले जाना है। जैसे आपको प्रिंट करना चाहेंगे देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आ रखा है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर ये अपॉइंटमेंट आपको गलत लगा है तो कैंसिल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे अपना लैपटॉप में, इसीलिए हम प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फोटो समेत जितना भी डिटेल्स हमने पहले डाला था वहाँ पे सारा के सारा यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आपको रूम नंबर वगैरह भी दिखाई दे रहा है, सेकेंड फर्स्ट फ्लोर में कहाँ रूम है उसमें भी दिखाई दे रहा है। डिस्पेंसरी में जाएगा तो आप ये पूछेगा ये रूम नंबर कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। और आपको क्यूई नंबर कितना है, आप 22 नंबर में पड़ा है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना है तो इसको लेके जाना है और आप उसी टाइम में जाना है और दुनिया जो लाइन लगाते रहेगा उनको बोलना है भाई मेरा अपॉइंटमेंट है और आप सीधा जा सकता है, और नहीं तो आप डिस्पेंसरी में डायरेक्ट जाएगा तो लंबा लाइन पे कतार में रह के दिखाना होगा। तो अभी प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप के ऊपर हम क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं अपना कंप्यूटर में। अभी देखिए यहाँ पे सेव एज पीडीएफ आ गया, आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो इसे सेव कर लीजिए। दोस्तों इसी तरीके से आप CGHS डिस्पेंसरी का जो अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप CGHS डिस्पेंसरी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।